धन्यवाद वाइस चेयरमैन पैनल में फौजिया खान जी में, उनको आना है तो इसके लिए पहले उनको बोलना भी है इस विषय पे, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना भाषण करके फिर वो इस पे दर आए। तुम्हें तो कहाँ जाना है, बैठना। धन्यवाद वाइस चेयरमैन सर। सर किसी ने कहा है कि लहरों के साथ तो लाशें बहा करती हैं, अगर तू जिंदा है तो उठ खड़ा हो और सवाल कर, क्योंकि तेरे सवाल ही तुझे जिंदा करते हैं। तो आज मैं सरकार से ये सवाल करने के लिए खड़ी हूँ सर, कि विकास और विकसित भारत और विश्वगुरु बनने के सपने की ओर बढ़ते बढ़ते जो हमारा अन्नदाता देश के पोषण का जिम्मेदार है वो क्यों दुर्लक्षित है। सभापति महोदय, हमारे किसान भाइयों की पीड़ा सरकार के लिए क्यों अदृश्य हो गई है, क्यों ये विषय सरकार को चिंतित नहीं कर पा रहा है कि महाराष्ट्र के किसान भाइयों की आत्महत्या का प्रमाण इस देश में सबसे ज़्यादा है। जो NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2022 में किसान भाइयों के जितनी आत्महत्या इस देश में हुई है उसमें से 37% आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई हैं, जिसका अर्थ ये है कि हर रोज़ 11 किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रही है। कारण ये है कि किसान भाइयों के असल विषयों को एड्रेस करने में सरकार अपयशी ठहर रही है। सभापति महोदय, क्यों? जैसे किसान के उत्पादन को योग्य कीमत नहीं मिलना, फसल के लिए लिया गया कर्ज अदा न कर पाना, नैसर्गिक आपदा आती है तो फसल बीमा का नहीं मिलना, बरसात पर निर्भर रहना, कभी सूखे से कभी तूफानों से पीड़ित हो जाना, बिजली का प्रश्न से बेहाल हो जाना या जंगली जानवरों के प्रश्न से परेशान हो जाना, किसानों की ये पीड़ा आपको क्यों नहीं दिख रही है? नवंबर 2021 से मई 2022 लगभग 2.71 लाख हेक्टर इतना क्षेत्र महाराष्ट्र में अनसीजनेबल रेन्स, हेल स्टॉम्स और विंड स्टॉम्स से तबाह हो गया। सर, जब भी मैं किसी महाराष्ट्र के देहात में जाती हूँ तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सवाल लेकर सब किसान घेर लेते हैं और अपनी समस्याएं बयान करते हैं कि हमें अपना फसल बीमा नहीं मिल रहा है। अगर सरकार इन शिकायतों को अनदेखा अनसुना करेगी तो किसान भाइयों की आत्महत्याओं की संख्या बढ़ने का धोखा हमेशा रहेगा। सर महाराष्ट्र एक प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य है। देश का 43% प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र का प्याज उत्पादक किसान आज निराश और हतबल हो गया है, क्योंकि सर 4 महीने की निर्यात निर्बंध के पश्चात अब 40% निर्यात शुल्क आकारा जा रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्याज कहीं दूर स्पर्धा में रह गई है। परिणामतः राष्ट्रीय बाजार में ओवर सप्लाई और कम कीमतें, किसान आज इतना मजबूर है कि उसका उत्पादन खर्च भी उसे मिलने से रहा। सर अब नुकसानग्रस्त किसान भारी निराशा में डूबा हुआ है। सरकार किसानों की ज़रूरतों का हल निकालने में नाकाम हो गई है। सर न प्याज की कीमतों में स्थिरता आ पा रही है, न किसानों को हमी भाव मिल रहा है। सरकार द्वारा प्याज उत्पादक किसानों की समस्याओं को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया है और ये किसान पूरी तरह बेसहारा ही रह गए। सर इससे विपरीत इन निर्यात निर्बंधों से सप्लाई चेन पर विपरीत परिणाम हो रहा है, जिससे व्यापारी एक्सपोर्टर्स भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की ओर से सर तुरंत कोई पॉलिसी तय होने की आज आवश्यकता है इन प्याज उत्पादक क्षेत्र किसानों के लिए, क्योंकि इनको राहत मिल सके।
सर, उसी तरह नागपुर के संतरा उत्पादक किसान या मराठवाड़ा के कपास उत्पादक किसान, सोयाबीन उत्पादक किसान, इनके भी इसी तरह की समस्याएं। सर, एक उस और विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि ये नामो ड्रोन दीदी स्कीम, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये योजना है, बहुत अच्छी बात है, परंतु इस विषय की एक बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, कि एक और तो टेक्नोलॉजी का ये यूज़ करके हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, और दूसरी ओर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का उद्देश्य केमिकल का उपयोग कम करके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की वृद्धि करना है, और इसके प्रावधान में 459 करोड़ रुपए से 465 करोड़ कम किए गए हैं सर, यहाँ तक आ गई है राशि, जिसमें पिछले वर्ष निधि का उपयोग केवल 21% हुआ है। तो सर, हमारी प्राथमिकता क्या है, केमिकल फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग, ये के कृपया करके मंत्री महोदय स्पष्ट करें। सर, द प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यूट्री एंड कोर्स ग्रेन्स इन महाराष्ट्र वॉज 135.94 thousand tons in 2021, which later significantly decreased to 40.70 thousand tons in 2021-22. In 22-23, there was a major dip to just 2,000 tons, indicating a decrease of 38,000 tons, sir. The procurement of oil seeds, pulses, and copra at MSP under PM Asha in Maharashtra was 57% in 2019-20, which dipped to 51% in 21-22. So, sir, is budget mein, in mein se kisi ka jawab mujhe nazar nahi aaya. सरकार को जागना होगा और कृषि क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता बनानी होगी। केवल ये कहना पर्याप्त नहीं है कि प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर आर नंबर वन प्रायोरिटी इन द बजट। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर